आपका स्वागत है अपने चैनल में आर के कार ब्लॉग में। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बताने वाले हैं वो गाड़ी है मारुति डिजायर की है, ठीक है। ये है इसकी चाबी। सबसे पहले हम चाबी से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमने सेकेंड हैंड गाड़ी ली थी 4,70,000 में। इसके हम फ्यूचर के बारे में आपको बताएंगे, क्या जब आप नई गाड़ी लेते हैं किस कौन कौन सी चीज़ लगी आती हैं और कौन सी नहीं आती हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास चाबी है इसकी, ठीक है। ऑटोमेटिक है गाड़ी, इसमें कुछ सिस्टम जैसे कि हम इसमें जो सिस्टम दिए होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वाला है लॉक का, जैसे आप लॉक वाला बटन दबाएंगे लॉक लग जाता है, ठीक है इससे। और ये है आपका खोलने का, तो इसकी ये चारों गेट हैं जो इसके खुल जाते हैं। अगर दो बार दबाएंगे तो चारों गेट उससे खुल जाते हैं। जब आप नई गाड़ी लेंगे इसमें तो ये फोकस लाइट है, ये वाली फोकस लाइट इसमें लगी नहीं आती है, ठीक है। ये आपको अलग से लगवानी पड़ती हैं। और दूसरी बात मैं आपको इसमें बताऊँ, ये एकदम न्यू गाड़ी है, ठीक है। ज़्यादा चली भी नहीं है और इसे हमने 4,70,000 में ख़रीदा था। बहुत सी गाड़ी में क्या होता है, मतलब ये एक आप ये सबसे बढ़िया सिस्टम इसमें ये दिया होता है, जैसे कि आप कहीं पार्किंग में कार जब चला रहे हैं तो इसमें ये लाइट जो जलती है सामने बहुत काम आती है इसमें। और इसमें एक सिस्टम ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी कहीं किसी से लग भी जाती है तो ये पूरा फोल्ड हो जाता है, नहीं इधर, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ये वापस आप इसे इस प्रकार से करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाता है आराम से, ठीक है। ये अंदर से और पीछे से भी इसकी कंडीशन दिखाते हैं। A1 कंडीशन है बिल्कुल, यहाँ से कोई भी कमी नहीं है, कहीं पर भी कोई गाड़ी लगी हुई नहीं है। और इस सीट पे जब आप सेकेंड हैंड गाड़ी लें तो इस सीट पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, ये गाड़ी लगी जाती है, लेकिन ये यहाँ पर सही है बिल्कुल, ठीक है। लगी हो या ना लगी हो चलता है बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। और इसके जो टायर भी हैं A1 है बिल्कुल, लगभग 70% है इसके टायर। और यहाँ पर जो लोगो होता है ये मार्केट से इन्होंने दूसरा लगवा चुके हैं, लेकिन मारुति डिजायर का यहाँ लोगो लगा हुआ आता है कार में। और ये डिजायर कार है, तो सब गाड़ियों की तरह इसमें भी नॉर्मल होता है। यहाँ से खींचेंगे उसके बाद ये आगे तो खुल जाता है। मैं आपको इसके अंदर का इंजन दिखाता हूँ, कंडीशन भी। तो गाइस हमने जो अंदर इंजन हमने खोल लिया इसका, ठीक है। अब इसके मतलब ये गेट है जो हमने खोल दिया, अब इसके बारे में अंदर से दिखाते हैं। गाड़ी कहीं सर भी कहीं कोई लगी भी नहीं है, अगर गाड़ी लगी भी होती है तो ये आपका जो होता है मतलब आगे पीछे हो जाता है या निशान पड़ जाती है, तो यहाँ एकदम नंबर एक में गाड़ी है जी अंदर से भी। और ज़्यादातर मेन सेट क्या देखने पड़ता है, मेन सेट आपके यहाँ पर देखना होता है। अगर जहाँ पर आपके गाड़ी के जो स्प्रिंग होते हैं वो ज़्यादातर सब यहीं पर, चोकर वगैरह सब यहीं लगे होते हैं, ठीक है। नीचे से अगर यहाँ गाड़ी लगी हुई हो तो आप कभी भी गाड़ी ना लें, अगर यहाँ से ठीक है तो गाड़ी लेना, ठीक है यहाँ से। और ये कंडीशन में बिल्कुल ठीक है, और यहाँ भी कोई इसमें कोई चोट लगी भी नहीं है गाड़ी में कहीं से भी, दोनों साइड से नंबर एक में है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें दोनों जो फोकस लाइट भी लगी हुई हैं, और लाइट हैं जो भी हमने इसकी सर्विस लाइटों की सर्विस करवा चुके हैं कुछ ही। जब हमने ये गाड़ी ली थी तो इसमें ये गंदगी आई थी, ठीक है, तो इसकी हमने इसकी सफाई करवाई थी गाड़ियों की। इंजन में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल शांत है। बंद करते हैं, अब इसके पीछे की हम डिग्गी भी दिखाते हैं आपको। तो डिग्गी आगे का जो है बंद कर दिया इंजन का, अब पीछे से दिखाते हैं डिग्गी, ठीक है। इसकी ये भी चालू करते हैं, ये है पीछे से आप देख सकते हैं A1 है बिल्कुल लगाए इसमें, इस प्रकार से डिक्की जो है खुल गई, ठीक है। ऊपर करते हैं, जो सिर्फ डिजायर होती है इनमें अच्छा खासा गैप होता है, आप कहीं भी कहीं अगर बाहर जा रहे हैं तो अच्छा खासा इसमें सामान रख सकते हैं। ये गाड़ी का कवर है, ठीक है। यहाँ आपका जो औजार होते हैं रखे हुए हैं, जो अगर आपकी गाड़ी के कभी पंचर हो जाती है या टायर बदलने होते तो उससे, ठीक है। और इसके नीचे टायर है इसका, यहाँ जो टायर रखने का सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। बंद करते हैं इसे, ओके बंद। ये इसकी खासियत अब अंदर से दिखाते हैं, नंबर A1 में कंडीशन है इसकी, ठीक है भाई। जो भाई जो गाड़ी लेके आए थे उन्होंने कहा था भाई गाड़ी देख लेना, तो मैंने ठीक है कल इसकी पूजन हुई थी तो आज इसकी वीडियो बनाई है हमने, ठीक है। यहाँ कल मंदिर लेके गए थे, उसके बाद में इसमें पूजन कराई थी, फिर आज हमने इस पर आपको टॉपिक दी थी। अंदर से भी आप गाड़ी देख सकते हैं, कवर है बिल्कुल एकदम सीट में A1 है, ऊपर से भी कंडीशन भी। और सामने इसमें ये होता है, इसमें आप अपनी पानी की बोतल रख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सिर्फ बटन दबाने से निकल जाता है इस प्रकार से, करा और बाहर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप इसे अंदर कर सकते हो, और इसमें पावर स्टीयरिंग होता है, कहीं भी कहीं लगा सकते हैं आराम से। इसकी मैं आपको अभी आवाज़ सुनाऊंगा गाड़ी की, देखो इसकी गाड़ी की आवाज़ जो है, मैंने कार जो है सेट कर चुकी है, और ये पावर स्टीयरिंग होता है, आराम से कहीं भी घुमा सकते हो आप इसे इस प्रकार से, ठीक है।
और इसमें जो कवर हैं जो हमने शेयर मार्केट से लगवाए थे, इसमें ठीक है 7,000 रुपये के कवर लगे थे नीचे वाले और पीछे के भी, दोनों लगा के एक ही बार में 7,000 का खर्चा आया था इसमें। ये इसका हैंड ब्रेक, बाकी सभी गाड़ियों की तरह इसमें भी 5 गियर, एक बैक गियर भी है इसमें, ठीक है इस प्रकार से जो लगता है। यहाँ अच्छा खासा इसमें आप सामान अपना रख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ एक बोतल भी रख सकते हैं, यहाँ फ़ोन, अपना ईयरफोन, चार्जिंग भी सिस्टम दिया और इसमें एसी सिस्टम एकदम बन है, नंबर वन में एसी सिस्टम। आप कभी भी गाड़ी लें तो सब चीज़ सबसे पहले देख के ही लेना, कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो आप बाद में देखें आपको पछतावा हो कि भाई यार मैं पहले ही देख लेता कि इसमें ये कमी है, ठीक है। तो इसमें हमने जो गाड़ी ली थी तो पहले ही चेक करके ली थी, ठीक है। और इसका जो सिस्टम है शीशे पीछे करने का वो इस प्रकार से है, ठीक है। जैसे ये वाला आपको उधर को करना है तो सबसे पहले इधर को कर दो, ठीक है। इसके बाद में इसे नीचे कर सकते हैं, आराम से ऊपर नीचे हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट करने के बाद में उधर करा, फिर हमने इसे नीचे कर दिया, ठीक है। इस वाले बटन से बैक हो जाता है और फिर खुल जाता है। ये आपका ऑटो है, अगर आप इसे एक बार दबा देंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, तो ऊपर कर दें तो ऊपर हो जाता है, ठीक है। और बाकी ये लॉक का है इसका। अब भाई मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने ये कार ली थी, ठीक है। तो गाइस जिस भाई ने जो कार ली थी, ठीक है, तो मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ और आपको उनके मुँह से सुनवाना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार कितने की ली। तो भाई जी आपने कितने की कार ली थी? 470 की पड़ी। किस जगह से ली थी आपने? इज्जत नगर आने की बरेली से ली थी, ठीक है, यूपी में बरेली। और इसकी मतलब आपने सर्विस कराई थी, आपकी करी कराई मिली थी? कराई थी। कितने रुपए खर्चा आया था सर्विस का? 9,000 के लमसम खर्चा आया जी। इसकी सर्विस जो है 9,000 की खर्चे बैठी, ठीक है। तो ये सब आपको सर्विस करा के और ये बीमा करा के कितने में पड़ी थी? 5 लाख कम्प्लीट हो गया था, 5 लाख, ठीक है। तो ठीक है, ये है 5 लाख में पूरी गाड़ी हमें पड़ी थी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।